मलिक हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन, कोविड की वैक्सीन लगवाना क्या हमारे देश में अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कोविड की वैक्सीनेशन लगाना, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन ही एक विकल्प है हमारे सामने जिससे कि हम कोविड से अपनी मृत्यु को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे देश में 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं और तीनों की तीनों वैक्सीन बिल्कुल कारगर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैक्सीन लगाना, जहां पर भी जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिले और जिस तरह की भी वैक्सीन मिले उसको लगा ले। वेट नहीं करें कि बाहर की वैक्सीन आएंगी तब लगाएंगे, या अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, या अभी तो केसेस कम हो गए हैं, इस तरह के भ्रम में बिल्कुल ना पड़े और इमीडिएटली वैक्सीनेशन लगा ले। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, मैं अपने हॉस्पिटल में वैक्सीन ड्राइव सिंस द बिगनिंग दे रहा हूं और हजारों वैक्सीन दिए और आज तक किसी को भी कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए, ये बेहद जरूरी है, लेकिन उनके अंदर हिचकिचाहट भी रहती है, कई लोगों के दिमाग में कई शंकाएं होती हैं और व्हाट्सएप वगैरह के जरिए जब कई बार उनको ऐसी बातें आ जाती हैं फॉरवर्ड के तौर पे जिससे उनकी इस हिचकिचाहट कोई बढ़ जाती है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को अनप्रोफेशनल एडवाइस से, अनएग्जामिन्ड एडवाइस से और ऐसे लोगों की एडवाइस के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना जो टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, जो कोरोना के बारे में नहीं जानते हैं या जिनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, आप उनकी बिल्कुल भी एडवाइस के ऊपर मत जाएं, वो भ्रमित करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया साइट्स पर जाएंगे तो तरह तरह से भ्रमित करने की, मैं आप लोगों के सारे भ्रम दूर करना चाहूंगा। वैक्सीनेशन लगाना बड़ा जरूरी है, ये इंश्योर करेगा आपको कि आपकी डेथ नहीं होगी कोरोना से, बीमारी फिर भी हो सकती है क्योंकि प्रोटेक्शन रेट 70-75% है, लेकिन लगभग लगभग ये तय है कि आपकी मृत्यु जो है वो कोरोना से नहीं होगी अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है। और आप अपने लिए तो वैक्सीन लगाएंगे ही, लेकिन आप बेसिकली वैक्सीन लगा के अपने बच्चों को भी बचाएंगे। बच्चे अभी हमारे सारे वल्नरेबल है, एक तिहाई पॉपुलेशन हमारी 18 साल से नीचे है जिनमें से एक को भी वैक्सीन नहीं लग रखी है, तो आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, आप घर में जाएंगे बीमारी रहित रहेंगे तो आपके बच्चों को भी बीमारी नहीं होगी, नहीं तो आप अपने बच्चों को भी रिस्क में डालेंगे, तो बहुत जरूरी है वैक्सीन लगाना। जी, जो युवा हैं उनका मानना है कि अगर 85% लोगों को इसमें आम लक्षण ही होते हैं तो शायद हम उनमें से ही हो जिनको ना हो और वो वैक्सीन लगाने में हिचकिचाते हैं, उनके मन में वैक्सीन को लेकर ज्यादा डर है और क्योंकि अब नंबर नीचे आ गए और वायरस से कम, उनके लिए क्या सलाह रहेगी डॉक्टर? देखिए, वैक्सीन के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं, युवा लोगों को भी लगाना चाहिए, जो सेकेंड वेव आया था उसने युवा वर्ग को भी काफी ज्यादा मृत्यु हुई है और थर्ड वेव में संभवतः हो सकता है युवा वर्ग और ज्यादा इफेक्ट हो, तो युवा वर्ग को कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। और युवा वर्ग जो कि ये लगा लो 18 से 45 साल के बीच के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके छोटे बच्चे भी हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट पेरेंट्स भी हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट बच्चे भी हैं और वो हो सकता है कि अकेले अर्निंग मेंबर भी हो अपनी फैमिली के लिए, तो उन्हें अपने आप को बचाना बहुत बहुत जरूरी है। और युवा वर्ग को कहना चाहूंगा बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, ये अनप्रिडिक्टेबल बीमारी है, ये आपको भी स्ट्राइक कर सकती है।